तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है मेरा एक और वीडियो में। दोस्तों ये आई कॉल और आईटेल के बीच में इतना ज्यादा टक्कर चल रहा है कि अभी आप में और उसमें अभी चलता नहीं होगा उतना टक्कर जितना आई कॉल और आईटेल के अंदर चल रहा है। दोस्तों ये आई कॉल और आईटेल दोनों फोन में से कौन सा बेस्ट है, हम इस वीडियो में कंपैरिजन करके पूरा स्टेप बाय स्टेप जानने वाले फ्रेंड्स कि दोनों फोन में आखिर अच्छा फीचर्स किसमें दिया गया है और दोनों में से कौन विजेता है। तो सारा कुछ हम बैटरी से लेके प्रोसेसर से लेके गेमिंग वगैरह सब तक हम टेस्ट करके इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं दोस्तों कि आखिर ये दोनों में जो टक्कर चल रहा है वो किस बात का टक्कर चल रहा है। दोस्तों हम दोनों फोन को टक्कर करने वाले हैं एक ऊपर से और एक नीचे से, क्योंकि आईटेल का प्राइस रहेगा लगभग 5,500 और आई कॉल का प्राइस रहेगा लगभग 10,000। तो हम 5,000 और 10,000 के बीच का अंतर भी स्पष्ट करेंगे आपकी दोनों में प्राइस का ही सिर्फ फासला है या कुछ फीचर्स भी दोनों में ऐसा ऐड किए गए हैं जिससे प्राइस का फासला बढ़ गया है। दोस्तों हम 5,000 और 10,000 में इसलिए कंपेयर करना चाहते हैं कि अगर बराबरी का मुकाबला रहता है तो दोनों बराबर हो जाता है दोस्तों, लेकिन एक रहेगा ऊपर और एक रहेगा नीचे। फिर भी अगर हम आईटेल को जिताना चाहते हैं तो कितना हद तक अगर हम इसको लेकर जा सकते हैं ये हम इस वीडियो में कंपेयर करके बताने वाले हैं दोस्तों कि आईटेल जीतेगा या आईकॉल जीतेगा। तो हम कम से ऊपर, तो हम आईटेल को नीचे से ऊपर ढकेलने वाले हैं, आईकॉल तक पहुंचाने वाले हैं दोस्तों, 10,000 तक पहुंचाने वाले हैं कि आखिर उससे टक्कर ले सकता है कि नहीं। लेकिन दोस्तों हम बराबरी से भी कंपेयर करके आपको बताने वाले हैं, 10,000 और 10,000 दोनों को 10,000 में भी कंपेयर हम करेंगे एक अलग फोन का। लेकिन अभी हम कंपेयर कर लेते हैं 5,000 और 10,000। तो 5,000 और 10,000 में क्या फर्क है, तो चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों हम आईकॉल का कोई भी फोन ले लेते हैं, जैसे S1, S1 प्लस, S2, S2 प्रो, तो उसका प्राइस आपको 9,500-10,000 के आसपास देखने मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन आईटेल A60S एक फोन आया था लगभग 3-4 महीने पहले, उसका प्राइस लगभग 5,500 रखा गया था दोस्तों। दोस्तों हम दोनों फोन के पहले प्राइस के बारे में बात करें तो आईकॉल का फोन आपको लगभग 9,500 देखने मिल जाएगा। अगर हम आईटेल के फोन के बारे में बात करें तो आईटेल A60S आपको 5,500 के अराउंड में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अभी भी आपको ऑफिशियल ऑनलाइन वेबसाइट पर 5,500 के आसपास देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर आप ऑर्डर भी करना चाहते हो तो अभी भी आप खरीद सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, प्राइस तो आईटेल के अंदर बहुत ज्यादा कम लग रहा है, लगभग 4,500 के आसपास में प्राइस कम लग रहा है दोस्तों। लेकिन देखते हैं दोनों में फीचर्स दोनों में लड़ा कर देखते हैं कि दोनों में से कौन जीतता है। अगर हम आईकॉल के बारे में बात कर ले तो आईकॉल में आपको 6GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। वहीं पर हम आईटेल A60S के बारे में बात कर ले तो इसमें आपको 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड की गई है दोस्तों। तो रैम के मामले में और इंटरनल मेमोरी के मामले में तो आईकॉल ही विजेता रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसका प्राइस भी कम है और इसका प्राइस ज्यादा है। तो प्राइस के हिसाब से फिर भी आईटेल A60S में अच्छा ही दिया गया है दोस्तों। अगर हम दोनों फोन के प्रोसेसर के बारे में बात कर ले तो आईकॉल में आपको यूनिसो का T606 का प्रोसेसर दिया जाता है, और वहीं पर हम आईटेल A60S के बारे में बात कर ले, मीडियाटेक हीलियो का प्रोसेसर दिया गया है। जी हां दोस्तों, मीडियाटेक हीलियो। लेकिन अगर हम बात कर ले दोनों फोन के प्रोसेसर के मामले में कि कौन विजेता रहने वाला है, तो विजेता तो हम कह नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि इसका प्राइस के मामले में A60S में अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। मीडियाटेक हीलियो का प्रोसेसर जो होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि जो नॉर्मल यूजर्स रहते हैं उस अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है फोन को यूज करने में। लेकिन आईकॉल के अंदर अगर T606 का दिया गया है प्रोसेसर, उसमें आपको गेमिंग प्रोसेसर भी थोड़ा थोड़ा दिया गया है कि उसमें आप गेमिंग भी कर सकते हो। हाई लेवल तक नहीं कर सकते हो, लेकिन एवरेज लेवल तक आप गेमिंग आईकॉल के अंदर कर सकते हो। लेकिन फिर भी प्राइस के हिसाब से दोनों ही फोन में अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं हम दोनों फोन के बैटरी के बारे में। तो बैटरी के मामले में आईकॉल ही बेस्ट रहने वाला है प्राइस के हिसाब से, क्योंकि उसमें आपको 6,000 mAh की बैटरी दी गई है और आईटेल A60S में आपको 5,000 mAh की बैटरी दी गई है दोस्तों। तो प्राइस के हिसाब से दोनों ही फोन अपना जगह पर अच्छा है दोस्तों। हम आगे बात कर लेते हैं एक स्मार्टफोन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, कैमरा सेटअप। दोनों ही फोन में आपको प्राइस के हिसाब से जबरदस्त देखने को मिल जाता है दोस्तों। आईकॉल के अंदर आपको बैक साइड में 3 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, बिल्कुल आईफोन के जैसा दोस्तों, जिससे मेन कैमरा आपको 21 MP का देखने को मिल जाता है और 5 MP का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने को मिलता है और 2 MP का आपको अल्ट्रा सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है दोस्तों। वहीं पर हम आईटेल A60S के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको प्राइस के हिसाब से अच्छा कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें आपको बैक साइड में एक ही कैमरा दिया गया है जो कि 8 MP का दिया गया है दोस्तों, और इस फोन के फ्रंट साइड में आपको 5 MP का कैमरा दिया गया है, जो कि अच्छा ही सेल्फी आप उतार सकते हो। लेकिन सेल्फी के मामले में आईकॉल में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है दोस्तों। प्राइस के हिसाब से दोनों ही फोन में आपको अच्छा मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है, फ्रंट हो या बैक दोनों में कैमरा सेटअप जबरदस्त दिया गया है दोस्तों। तो चलिए दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर दोनों फोन में डिस्प्ले किसका बड़ा है। आईकॉल के अंदर आपको 6.8 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, और वहीं पर हम आईटेल A60S के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें आपको 6.6 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो दोनों ही फोन में आपको जबरदस्त डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। वहीं पर हम दोनों फोन के डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के बारे में बात कर ले, आईकॉल के अंदर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है
दोस्तों, और वहीं पर हम आईटेल A60s के बारे में बात कर ले तो इसमें आपको 60Hz का ही रिफ्रेश देखने को मिलता है। तो प्राइस के हिसाब से दोनों में आपको बेस्ट रिफ्रेश देखने को मिल जाता है दोस्तों। बाकी दोनों ही फोन में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है दोस्तों, और दोनों ही फोन में आपको डुअल स्पीकर का ऑप्शन नहीं दिया गया है। बाकी बात कर ले दोनों फोन के चार्जर के बारे में, तो दोनों फोन का चार्जर आपको स्लो ही देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन में आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है दोस्तों। आईकॉल के अंदर आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को मिल जाता है, लेकिन आईटेल A60s के बारे में बात कर ले तो इसमें आपको एंड्रॉइड 12 का ही अपडेट देखने को मिलता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, दोनों को प्राइस को मद्देनजर रखते हुए तो दोनों ही फोन अपना जगह पर ठीक है, लेकिन हम आईकॉल को कंपेयर अब करते हैं आईटेल के 10,000 का फोन, तो हम बात कर रहे हैं आईटेल S23। जी हाँ फ्रेंड्स, उसका प्राइस आपको 9,500 के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आईटेल S23 के बारे में बताएं तो उसमें आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 50 मेगापिक्सल का, लेकिन अंडर 10,000 9,500 के आसपास आईकॉल में आपको 81 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि आईकॉल को ज्यादा रेटिंग मिले या आईटेल को, तो हमारा हिसाब से आईकॉल अपना जगह पर ठीक है, क्योंकि उसका लुक और डिजाइन बहुत अच्छा दिया गया है दोस्तों। लुक और डिजाइन के ऊपर ये फोन ज्यादा रनिंग कर रही है और बहुत ज्यादा सेलिंग डिमांड आ रहा है। तो दोस्तों, आप लोग के माइंड में कोई और सवाल होगा तो प्लीज कमेंट में प्रोवाइड कर दीजिएगा, जिसका जवाब हम दे देंगे दोस्तों। ऐसा भी कुछ होता है कि वीडियो के अंदर हम जो भी गलती करते हैं उसको भी आप कमेंट में प्रोवाइड कर दीजिएगा, जिससे हमें सीख मिलती है दोस्तों, और हम अपने वीडियो में इंप्रूव करके और अच्छे तरीके से वीडियो को बना सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।